अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आयशा। सबसे पहले मैं आप लोग को अपना छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं सर हमजा और सर ज़िया की स्टूडेंट हूँ। मेरी टाइपस्क्रिप्ट की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नर हाउस में फर्स्ट के 3 मंथ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी। आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ाई जाएगी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये सर ज़िया ने यहाँ पे हमें स्लाइड में लिंक दिया है। ये सर ज़िया की रेपोजिट्री का लिंक है। यहाँ से आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ। जब हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी स्टार्ट की थी तो सर हमजा ने हमें भी इसी रेपोजिट्री से पूरी हमारी बेसिक से लेके हमें एडवांस तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई थी। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड है कि हम टाइपस्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट करते हैं। ये हमें सारा कोड दिया है, हम इसी कोड को देखेंगे और इसी कोड से सर हमजा या सर अमीन जो भी आपके टीचर होंगे आपकी क्लास में आपको इसी रेपोजिटरी से टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। अच्छा, इस टाइपस्क्रिप्ट में कुछ हमारे पास नोट प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें एक चैलेंज ही उस पर मिलेंगे कि कौन ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है। और हम लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। ये पूरी हमारी टाइपस्क्रिप्ट यहीं से हम लोगों ने कंप्लीट की थी। अब जो आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे गवर्नर हाउस में, आप लोग के लिए भी यहीं से टाइपस्क्रिप्ट आप लोग को पढ़ाई जाएगी। ये जो स्लाइड का लिंक है ये मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास जिन लोग की हो गई है, तो फर्स्ट क्लास हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। उस क्लास में कुछ भी नहीं था, आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट नहीं स्टार्ट करवाई थी। लेकिन जैसे आप लोग नेक्स्ट क्लास में अब जाएंगे अपनी सेकंड क्लास में गवर्नर हाउस में, तो आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए सबसे पहले जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप लोग को जब आप लोग टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे उस कोड को लिखने के लिए आपके पास कुछ चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए। कुछ आप लोग के पास जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए, अदरवाइज आप टाइपस्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते। जब हम लोग HTML और CSS अगर किसी ने आप लोगों में से पढ़ी है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ हमारे पास एक VS कोड होता था, इंस्टॉल करना होता था हमें, और हम अपने HTML और CSS उसमें लिख सकते थे। लेकिन अब जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो टूल्स होंगे ये आप लोग के नेट से इंस्टॉल होंगे, आपके वाईफाई से इंस्टॉल होंगे। जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मेरी ये एडवाइस है आप लोग के लिए कि जाने से पहले आप लोग ये चीजें इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब गवर्नर हाउस जाएंगे आप लोग तो आप लोग के पास उस टाइम ये स्लाइड तो सर आप लोग को पढ़ाएंगे लेकिन आप लोग के पास उस टाइम नेट नहीं होगा, तो आप लोग ये चीजें इंस्टॉल नहीं कर सकते और फिर आप लोग कोड में नहीं लिख पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप लोग के पास चीजें इंस्टॉल नहीं होंगी तो फिर आप लोग की वो क्लास वेस्ट ही जाएगी। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि जाने से पहले आप लोग ये चीजें इंस्टॉल कर लें। और सर अमीन ने इसी वजह से कहा था कि आप लोग का ये टास्क है कि आप लोगों ने आने से पहले ये पूरी स्लाइड खत्म करके आनी है, एक दफा पढ़ के आनी है कि आप लोग को जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोग को ये स्लाइड तो पढ़ाई जाएगी लेकिन जब आप लोग घर से पढ़ के आएंगे तो आप लोग के पास पूछने के लिए सवाल होंगे, आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं। इस स्लाइड में इसके 133 पेजेस हैं शायद, तो हम लोग इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोग की अगली क्लास में कोई आप लोग का नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Node.js है हमारे पास, हमें जो अपना टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना है उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा और सबसे पहले हम Node.js इंस्टॉल करेंगे। अब ये Node.js क्या है? Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है फॉर जावास्क्रिप्ट। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अब ये जावास्क्रिप्ट अचानक से क्या आ गई? तो जो टाइपस्क्रिप्ट है वो सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। अब इस बात में इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे आप लोग को चीजें समझ में आती जाएंगी।
लेकिन फिलहाल हमें सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करना है कि जो हमने अपना TypeScript का कोड लिखा है उसको रन करने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारे लिए, जिसके थ्रू हम उस कोड को रन कर सके, हम देख सके हमने क्या लिखा है। तो उसके लिए हमारे पास Node.js है, ठीक है। इट इज यूज टू रन TypeScript कोड, ये यूज होता है TypeScript कोड को रन करने के लिए आफ्टर इट हैज बीन कंपाइल्ड टू JavaScript। जब उसके JavaScript कोड में कंपाइल होने के बाद ये हमारा कोड को रन कर देता है। तो अभी हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें हमें कितनी चीजें इंस्टॉल करनी है, Node.js, Git, TypeScript और VS कोड, कोई सा भी विजुअल जो स्टूडियो कोड है हमारे पास ये इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई सा भी जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, Notepad, Notepad++। लेकिन यहाँ पे हमें हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें सिर्फ कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो हमें सजेस्ट किया है वो है VS कोड, और टाइप स्क्रिप्ट हमें इंस्टॉल करनी है। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट जब हम इंस्टॉल करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बाद हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, अदरवाइज हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते। और टाइप स्क्रिप्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट इज द कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स टाइप स्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके में एक कंपाइलर होगा जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट में। अभी जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट इसमें अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे। गिट, गिट एक कंट्रोल वर्जन सिस्टम है। अच्छा, इसको सबसे एंड में ना, इसी स्लाइड के सबसे एंड में सर ने हमें एक लिंक दिया है, सर नसीम की वीडियो का, तो उससे हम लोग गिट भी पढ़ेंगे। मैं आप लोग को ये एडवाइस दूंगी कि टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप लोग को ये तीन चीजों की जरूरत है, Node.js, टाइप स्क्रिप्ट और वीएस कोड। आप लोग को ये जो गिट है ये आप लोग साथ साथ थोड़ी थोड़ी करते करके करके उसी वीडियो से आप लोग साथ साथ चलाते रहें, ये हमारा काम आसान बनाएगी। लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है टाइप स्क्रिप्ट का कोई भी एप्लीकेशन डिवेलप करने के लिए। तो मैं आप लोग को उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गिट को आप लोग साथ साथ मैं कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें। बाकी हम सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। ये देखें इसी स्लाइड में हमारा चैप्टर टू है, योर फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन Node.js इंस्टॉलेशन। अब इसी स्लाइड में हमें बताया है कि आपको Node.js किस तरह से इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले अगर आप लोग के पास इसका लिंक नहीं है, आप लोग के पास व्हाट्सएप चैनल होगा उस पर ये आपके पास स्लाइड होगी। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी स्लाइड इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखें यहीं पे Node.js का लिंक भी यहीं पे, हम लोग इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेंगे फर्स्ट वाले को, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। अब देखेंगे लेटेस्ट फीचर्स भी हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये Node.js सब यूज कर चुके हैं लेकिन ये अभी अभी आए, इतने लोगों ने यूज नहीं किया, क्या पता इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से हम लेटेस्ट फीचर नहीं इंस्टॉल करेंगे, Node.js का ये वाला फीचर इंस्टॉल करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा Node.js इंस्टॉल हो गया है, हम लोग यहीं पे आएंगे इसे क्लिक करेंगे, देखें ये देखें, तो जैसे हमने यहाँ पे आके इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये खुल के आ गया। तो अब हम इसे कर देंगे नेक्स्ट, यहाँ पे ये पूरा एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कर दें आई एक्सेप्ट और इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लें, आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट, ओके, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, यस। तो आप लोग देखें अभी हमारे पास ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल आप लोग Node.js के लिए ये सिर्फ आप लोग समझ लें कि Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये हमारे सिस्टम पर जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करेगा।
जो हमने कोड लिखा है ये हमें रन करके बताएगा कि आपने क्या कोड लिखा है। अच्छा, एक ये बिल्कुल थोड़ी सी अलग बात है, जो बिगनर्स हैं उनको शायद समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सिर्फ सुन लें। नोड जेएस हमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरह के एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं नोड जेएस के थ्रू। ठीक है, अभी हम इसे कर देंगे फिनिश और यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा अपनी स्लाइड पे। हमें स्लाइड में आगे क्या करने का कहा है, हमें कहा है कि आप उसको नेक्स्ट करते हैं, जो हम कर चुके हैं। आप लोग आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपने फिनिश कर देना है। हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखें, इसी स्लाइड में हमें सब कुछ गाइड किया है। हम यहाँ पे आएंगे अपने सर्च बार पे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे CMD। तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल, हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि साथ में हम गाइडेंस भी ले सके। ठीक है, ओके, ये देखें, अब मैंने हाफ अपने इस पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल खोल लिया है और यहाँ पे देखें, यही स्टेप जो ये मेरी स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल खोल लें। मैंने खोल लिया इसे। अब कह रहे हैं कि यही अपने इसी टर्मिनल पे आप लिखें नोड स्पेस माइनस वी। अब इससे क्या होगा, इससे हमें नोड जेएस का वर्जन पता चल जाएगा। आप लोग ये देखें 20.10.0 और यहाँ पे हमारा 20.11.0, तो इसका मतलब कि आपको वर्जन बता दिया कि आपके जो नोड जेएस वो कौन से वर्जन में इंस्टॉल हुई है। तो गुड हो गया हमारा एक काम। अब नीचे हमारे पास एक और कमांड है, यहाँ पे लिखा है npm space minus v। अब npm space minus v, इससे हमारे पास क्या होगा और ये npm है क्या? तो npm जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारा नोड पैकेज मैनेजर है। ये हमारे पास जैसे ही हमने node.js इंस्टॉल किया उसी के साथ हमारे पास npm भी इंस्टॉल हो गया। npm नोड पैकेज मैनेजर है और इसमें हमारे पास जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कुछ पैकेजेस हमें नीड होगी कि हम उन पैकेजेस को इंस्टॉल करें और अपने प्रोजेक्ट में उनके थ्रू हम काम करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो npm है, ये जो नोड पैकेज मैनेजर है, इसमें हम जाएंगे npm पे और वहां से अपनी जरूरत के मुताबिक हम अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ इसका वर्जन चेक किया है कि क्या ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। तो गुड, ये भी हमारे पास इंस्टॉल है। अब अगला प्रोसेस क्या है हम वो देख लेते हैं। अगला प्रोसेस हमारे पास देखें गिट इंस्टॉलेशन का है। अब मैं ये बात आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि फिलहाल मैं आप लोग को वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी गिट का। आप लोग वहां से गिट को आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके गिट को पढ़ते रहें और जैसे आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो उसी के स्टार्ट में आप लोग को गिट की इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम टाइप स्क्रिप्ट का हमें कोड लिखना है तो इस गिट के बगैर नहीं लिख हो सकता, लिख हो जाएगा आपका टाइप स्क्रिप्ट का कोड, आपकी एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग को वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके वो वीडियोस देखते रहे। अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हम सिर्फ उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे नोड जेएस का वर्जन चेक किया है, यहाँ पे भी हमने गिट का वर्जन चेक किया है। अब हमें क्या करना है, हमने नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। ओके, देख लेते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट किस तरह से इंस्टॉल होगी। यहाँ देखिए हमें बताया भी है, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल एंड रन द फॉलोइंग कमांड। हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला है जो कि हमारा एक टर्मिनल ही है और हमें ये कमांड चलानी है। अब टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम टाइप स्क्रिप्ट का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो यहाँ पे लिखा है। अच्छा, आप इंस्टॉल की जगह सिर्फ आई भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आई का मतलब भी इंस्टॉल ही है, इन चीजों में इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। स्पेस
माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एट द रेट 5.0.2। ओके ओके, तो अब हम इसे इंटर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने एट द रेट लगाया ना, आपने अपने जो आपका कीबोर्ड है वहां पे शिफ्ट और टू प्रेस करना है, आपके पास ये एट द रेट खुद ही आ जाएगा। ये देखिए, हमारी टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये देखिए, आपकी टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब जैसे हम लोगों ने नोट जेस का वर्जन चेक किया, एनपीएम का वर्जन चेक किया, उसी तरह से हम टाइप स्क्रिप्ट का भी वर्जन चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टी एस सी स्पेस माइनस माइनस वर्जन। वर्जन की जगह आप सिर्फ वी भी लिखते तो एक ही बात थी। इसको इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, हमारा बता दिया कि हमारे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। वेरी गुड, हमें तीन चीजें इंस्टॉल करनी थी जिसमें से दो हो चुकी हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ये ही बात हो रही है कि हमने इंस्टॉल और ये किया, तो इस पे हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो गई, हमारे पास वर्जन आ गया, हमने वर्जन चेक कर लिया जो हमने यहाँ पे काम किया है। बस वही बात, देखें, हमने यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लिया, हमने यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लिया, वर्जन भी चेक कर लिया। आगे चलते हैं, आगे तीसरी बात हमारे पास आ गई कि अब हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर ली, नोट जेस इंस्टॉल कर लिया, अब हमें वो चीज इंस्टॉल करनी है जिसपे हम अपना कोड लिखेंगे। अब जिन्होंने HTML CSS पढ़ा होगा उन्हें तो पता होगा कि VS कोड के बारे में, तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। ये कोड एडिटर है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास विंडो है, हम विंडो पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग अब तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और यहाँ पे भी आके अपनी डाउनलोड्स में आएंगे आप लोग तो यहाँ पे देखें हमारे पास नोट जेस हो गया, हमने इसे इंस्टॉल कर लिया। अब हम VS कोड को देखेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया है। ओके, तो इसको कर देंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और क्रिएट आ डेस्कटॉप आइकन, कि आप इसे डेस्कटॉप पे भी करते हैं, और इन सबको हम कर देंगे क्लिक। सबको देखे मैंने टिक कर दिया है, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे आप। देखिए, तो हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है स्टार्ट। देखिए, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसको फिनिश कर देंगे। ओके, इसको कर देते हैं बंद, इस टर्मिनल को भी बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है खत्म। हम आ जाते हैं दोबारा से अपने VS यहाँ पे अपनी स्लाइड में। ओके, अब हम लोग आगे जाते हैं, तो जो हमने अभी VS कोड इंस्टॉल किया है ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। हमने कर लिया ये इंस्टॉल, हमारा ये प्रोसेस भी हो गया, ये प्रोसेस भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, जबरदस्त, हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ओके, कैसे इंस्टॉल करनी है देख लेते हैं। ओपन VS कोड एंड गो टू एक्सटेंशन, सर्च एक्सटेंशन, सर्च फॉर टाइप स्क्रिप्ट एंड इंस्टॉल द टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट विथ लैंग्वेज फीचर एक्सटेंशन। ओके, देखें VS कोड पे जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन का बटन है, यहाँ पे जाना है हमें, क्लिक करना है, यहाँ पे हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली। ओके, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ बंद। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है VS कोड। अगर आप लोग को कोई सी भी चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मेरी वीडियो पे दोबारा जाएं, पीछे करके वीडियो देख लें।
कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सब कुछ किया होगा तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अपना वीएस कोड खोला, आप लोग के पास शायद कुछ और आए, होम पेज आए, क्योंकि मेरे पास तो ये फर्स्ट टाइम था। मैंने ये पहले भी मैं वीएस कोड पे काम कर चुकी हूँ, तो मेरे पास वो फर्स्ट पेज आया नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये आपका वीएस कोड खुल जाएगा, आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाना है। एक्सटेंशंस पे जाके आप लोगों ने क्या सर्च करना है, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट 90, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा, मेरे पास यहाँ पे इस बटन पे आई, मैंने यहाँ पे आके जावा स्क्रिप्ट ना टाइप स्क्रिप्ट नाइटली लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्सटेंशन खुल गई। अब देखें यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, मैंने इसको कर दूंगी इंस्टॉल, इंस्टॉलिंग हो रही है। अच्छा, अब हमने पहले जो हमने इंस्टॉल की थी वो टाइप स्क्रिप्ट थी, अब ये हम VS कोड में आके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम ये एक्सटेंशन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें क्या फायदा है इससे? टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके हम VS कोड में बेहतर टाइप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मिलता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम टाइप स्क्रिप्ट अपना कोड लिखेंगे, तो अगर हमारा कोई एरर आएगा ना, तो वो हमें उसी वक्त बता देगा कि आपका यहाँ पे एरर है। और ये जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है, ये हमारे कोड को मेंटेन करके रखेगी। ओके, तो ये देखें, हमारे पास अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिसेबल अनइंस्टॉल, तो हमें कुछ भी नहीं करना इसमें से। इसका ये मतलब है कि हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। अब क्या करना है, इसे कर देते हैं बंद और आगे जाके देखते हैं हमारे स्लाइड में क्या है। तो जब हमने सारी अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली, तो अब हमारी स्लाइड में हमें कह रहे हैं कि आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, अपना टाइप स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम। और ये स्लाइड, ठीक है, इस स्लाइड में देखें हमें ये चीजें इंस्टॉल करनी थी, हम कर चुके हैं। गिट का मैं आपको लिंक दे दूंगी, आपने वो वहां से अपनी गिट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपने साथ साथ पढ़ते रहने टाइप स्क्रिप्ट के। दूसरी बात कि अगर आप लोगों में से किसी का ये कुछ भी चीज इंस्टॉल करते वक्त कोई एरर आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो पे पीछे करें आराम से, और फिर आप देखें कि आपने क्या पता कोई चीज छोड़ दी हो। अगर फिर भी आपका एरर नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपका वो एरर सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आप लोग जाएंगे गवर्नर हाउस, तो जो सर पढ़ाए आप लोग वो घर पे आके इम्प्लीमेंट जरूर करें। दूसरी बात ये है कि आप लोग क्लास में पढ़े, या तो क्लास के साथ पढ़ते रहे, या क्लास से एक कदम आगे पढ़े, अपनी क्लास से पीछे नहीं रहना, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगी, क्योंकि सर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो नीचे मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो अभी मैंने आप लोग को रेपोजिटरी दिखाई है, मैं उस रेपोजिटरी पे आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊं टाइप स्क्रिप्ट की, उसी रेपोजिटरी को देखते हुए इस चैनल पे आप लोग के वीडियोस मिल जाएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग जो क्लास में पढ़े उसको एक दफा पहले से घर से पढ़ के जाएं, आप लोग के लिए फिर चीजें आप लोग को ज्यादा समझ में आएंगी, आप लोग को ज्यादा क्वेश्चंस होंगे करने के लिए, ठीक है। और ये स्लाइड इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे, अपना टाइप स्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड भी लिखेंगे, और ये हेलो वर्ल्ड सब कुछ हम लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वो भी बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए उसी रेपोजिटरी से, जिस रेपोजिटरी से आपको सर पढ़ाएंगे, उसी रेपोजिटरी से आप लोग के लिए टाइप स्क्रिप्ट की वीडियोस बनाऊं बेसिक से एडवांस तक। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।